ये तज़ाकर इफ्तिखार दिलशोर साहब, अब आपके सामने शनशाह मसाद जनाब जाकिर सैयद ज़हीर अब्बास शराज़ या त्रिखा और इल्तमास है जो साहबान बाएं बाएं खड़े अंदर तशरीफ़ ला इन बाद जाकिर अल बैत जाकिर मुसाफिर शाम जनाब कमर अब्बास सुरती आप साहिवाल और खिताब फरमान दे। मेहरबानी करो जो साहबान पहले बार गए और मेहरबानी करके अंदर तशरीफ लाए बवाज बुलंद सलावात। सलवात दा पढ़ना अजीम इबादत है, कोशिश करो ऊंची आवाज दे नाल पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रसालत, ऊंचे बोलो नारे हैदरी। सलवात फिर भी ऊंची आवाज दे नाल आऊज़ बिल्लाह मिने शैतान रजीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बावाज़े बुलंद सलावात अम्मा बादो फकत काल अल्लाह नबी काउ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अनाउ मिन अल हुसैन सलवात। दुआ है मल के कैनात तमाम मोमिनीन दा इस पाक जिक्र चटोरा या कबूलो मंजूर फरमावन। मालिक बानियान दी सफ़े मातम विछाई अपने अजीम दरबार विच कबूल फरमावन। अपने अपने घरां दी दहलीज तो लैके वारसाने ततहीर ते इस पाक जिक्र तक जितने कदम चल रहे हो दिली दुआ है वारस जमन इमाम हर कदम ते तुहाडे मेरे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमावन। दुआवां दी कबूलियत वास्ते हलूस नाल सलवात पढ़ लो। अल्लाह तमाम अहबाब शिया सुनी साहबान इजाजत में नौकरी शुरू करा, कोशिश करो सलवात सारे फिर भी उच्ची आवाज नाल पढ़ो। मुख्तसरी वक्त वाजिब अल एहतराम तशरीफ फरमा। तो एक दूसरी गुजारिश है तुसी जी इत्थे आ सकते हो सारे जरा इकट्ठे हो जाओ जी पिछ मिला तुसी भी जवान आ जाओ इत्थे ताकि देखो ना बिस्मिल्ला कोशिश करो जी थोड़े थोड़े तुसी इधर आ जाओ मेहरबानी होगी बिस्मिल्ला जरा सामने आ जाओ जी तुसी भी एक एक कदम अगे आ जाओ। बड़ी मेहरबानी मालिक तुहाडा टोरा या कबूल फरमावन। सलवात फिर भी उच्चे आवाज दे नाल पढ़ो। तवज्जो सहबान दी ये बिस्मिल्ला गल शुरू कर दी कि हर इबादत खुशनुदी ये खुदा दा जरिया है क्योंकि हर इबादत दा हुक्म या अल्लाह दिता है या आले मुहम्मद दिता है ते कोई इबादत भी अबस नहीं। हर इबादत दा फायदा है, जिंदगी विच फायदा है। शजी नमाजी दी तारीफ हर बंदा करता है कि अच्छा आदमी है, अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा दिन च पांच दफा करदा है। रोज़ेदार नूं हर बंदा पसंद करदा है। ज़कात देवण वाले नूं हर बंदा आखदा यार इतना अच्छा आदमी अल्लाह दा मकरूज़ राणा पसंद ही नहीं करता। जे वधाओ तां इन्हां इबादतां दा कबर विच फायदा है, जे कबर तों वी वधाओ तां इन्हां इबादतां दा बरज़ख दी आखरी सरहद तक फायदा है।
لال موسیٰ علیہ تدفین میت تو لے کے میدان معاشر دے قیام تک دے درمیانی عرصے دا ناں ہے برزخ۔ ہر عبادت دا فائدہ ہے، خوشنودی خدا رضا آل محمد زندگی چ فائدہ ہے، معاشرے وچ فائدہ ہے، سماج وچ فائدہ ہے، جے اس تو بھی وداؤ تاں قبر وچ فائدہ ہے، جے قبر تو بھی وداؤ تاں برزخ دی آخری سرحد تک فائدہ ہے۔ لیکن ممبر رسول تے کھلو کے پوری ذمہ داری نال پہ آداں جیڑی عبادت دا تعلق نجات نال ہے، وہ صرف اور صرف علی دی محبت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر یا علی یا علی یا علی، میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی شیعہ کوئی علی والا کسے عبادت دا منکر نہیں، واجب عبادات بھی برحقن، مستحب عبادات بھی برحقن، اللہ اور آل محمد دا حکم ہے، مگر نجات جس عبادت نال مشروط ہے وہ اے عبادت نہیں، وہ علی دی محبت ہے۔ قدردان تشریف فرماؤ، اگر علی دی محبت نہیں ککھ نہیں۔ میں نہ میرا مسلمان برا ساڈے نال جھگڑا نہ کریں، معصوم دا فرمان ہے، پاک نبی دا فرمان ہے، اگر نور نبی جتنی عمر ہوے، پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ، 2500 سال نہ نماز قضا، نہ روزہ قضا، نہ حج زکات، کوئی عبادت بھی قضا نہیں، تے اود پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ چہرات کرے، تے مرے بھی مکہ، تے آخے منو اتھے ہی دفن کر سڑیا، جے ہو سکتا ہے مکے دی دفین دی برکت دی وجہ تو میری نجات ہوئے منو جنت ملے۔ ماسو فرما دے نے، اگر دل وچ علی دی دشمنی رکھدا ہے جنت تے کجا، جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکدا۔ اوئے ہوئے میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر، کیا بات ہے تھوڑے سن، میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر، میرا حصہ ہی منو مل گیا۔ اچھا پاک نبی شاہ جی، یہ کیوں فرمایا کہ جنت دی خوشبو نہیں لے سکدا، مسافہ دے جنت نہیں جا سکدا؟ علمی بات نیاز حسین غور کریا، جے منو ممبر دی قسم ہے، جنت دی عام خوشبو نہیں، تے نالے جنت دی خوشبو جنت دی حدود تک محدود نہیں، جنت دی خوشبو جنت تو 2000 سال دے رستے تک سنی جا سکدی ہے، تے ایڈی کو نفرت اللہ نو علی دے دشمن دے نال جو جنت تو 2000 سال دے رستے تک کھڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں بسم اللہ کر یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کسے بندے مولا کو سوال کیتا، مولا تواڈے حبدار دی نشانی کیڑی ہے؟ کھلی کھلی تے واضح واضح دسو، ہر کسے نو سمجھ آوے۔ ماں سوم فرماندے نے، ساڈے حبدار دی نشانی ہے جدن وی ساڈا فضائل سندا بیٹھا ہوئے، اس دا چہرہ انج ہوندا جویں صبح دے ٹائم زاہ زاہ گلاب کھلدا۔ اوئے میں بسم اللہ میں بسم اللہ علی 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 علی، منو ممبر دی قسم میں علی دی دشمنی رہ کے بندہ مسلمان ہی نہیں رہ سکدا۔ اسلام نام ہی علی دی محبت دے، ایمان نام ہی علی دی محبت دے۔ تواڈی محبت نو ویکھ کے منو مولا دی ایک ملنگنی یاد آ گئی، مختصر وقت دے وچ جس بڑی خوبصورت انداز دے وچ علی دی تبلیغ کیتی ہے، نام ام فروہ، جناب جابر دے خاندان نال تعلق انصاری ہے، مدینے دی رہائشی ہے، دل دماغ وچ علی دی ولایت دے چراغ نے، تے لالے موسیٰ علیہ گھر بہ کے نہیں کردی علی علی۔ پہلے دن تو جدہ دیتھے سو نا حالات خراب، گھر چھوڑ دیتا سو، شاہ جی دوبٹے نال کمر چبدی سو، مدینے دی ہر گلی وچ ہر دروازے تے کنڈا کھڑکا کے آدھی، لوگو غلطی نہیں کرنی، حق دا امام صرف علی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں فرما دیے لوگو، پاگل نہ بنو، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دا جانشین عوام نہیں چنے، خود اللہ منتخب کیتا ہے، اور سید الانبیاء دا جانشین بھی خود اللہ منتخب کیتا ہے، اور وہ اللہ دا منتخب کردہ جانشین صرف اور صرف حق دا امام علی ہے۔ بادشاہ نو کوئی مقبری ہو گئی،
तो मैं बादशाह आख्या तो बादशाह तो कोई भी वोट लैके बन सकता है। बादशाह नु मुकबरी होगी जी सारे मन गए ने ते उम्मे फरवा नहीं मनदी ते वो डरदी भी किसे कोलों नहीं। सुबह शाम गलियां कूचियां विच अली अली दी तबलीग कर दी है। उस आगे है रे मैं बड़िया बड़िया कोलों अली छड़वा लिया ते औरत मसले ही कोई नहीं। उस सिपाही भेजे जाओ उम्मे फरवा नु दरबार दे विच लै आओ। सिपाही उम्मे फरवा दे दरवाजे ते आए सिपाहियां दा कलबाब की मैंने मिंबर दी कसम उम्मे फरवा हाली नहीं आई बल्कि कफन चाह के बाहर आई। मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा मेरा हिस्सा मैंने मिल गया। उस सिपाही एक दूजे के पास वेख के आदे यार इसकी तैयारी दस दीए जो साड़ी आमद की तलाह किसी पहलू इस कर दी। उम्मे फरवा बाहर आई सिपाहियां आदि की गल है। उन्हें आख्या तेरी शिकायत है तू बादशाह की गुस्ताह है चल साढ़े नाल दरबार दे विच। जिदा सिपाही आखे ना तेरी शिकायत आदि अकल का इलाज कराओ शिकायत उन्होंने आँदी है जिन्हें पीर काबले शिकायत हो डोरे हो तुसी तुहाडी गलत रिपोर्ट है। सिपाही आख्या नहीं तू चल साढ़े नाल दरबार दे विच। जिदा सिपाही जिद की ना मुस्कुरा के आदि बादशाह तू बड़ा करीम है बड़े अरसे तू हवाशाही अज दरबार दे विच मौका मिलिया तेरी वलायत की तबलीग करन दा। मौला अज दुश्मन की अख विच अख पा के तेरी वलायत का कसीदा पढ़ सकां। मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा। दरबार दे विच आई ना खौफ ना डर चेहरे ते वलायत अली दा नूर गर्दन सीधी। बादशाह नूं आदी क्यों बुलाई उस आखे उम्मे फरवा मैं सुनिया तू मैनूं मंदी नहीं तू मेरे ओहदे ते मनसब दे कायल नहीं। उस आखे ठीक सुनिया ई उस आखे नकस की है मेरे विच। बादशाह दे पासे वेख के आदी नकस तेरे विच जो तैनूं अल्लाह नहीं बनाया। उस आखे नहीं मैनूं अल्लाह खुद बनाया है ना मैं कद विच किसे तो घट हाँ ते उम्र भी मेरी सारियां तो ज़्यादा है ते रिश्तेदारी दे हवाले नाल भी मैं काफ़ी करीब हाँ ते जे दाड़ी वेखनी होती वह भी मेरी किसे तो घट नहीं। नुकस की है मेरे विच उस आखे नुकस तेरे विच जो तैनूं अल्लाह नहीं बनाया। उस आखे नहीं मैनूं अल्लाह खुद बनाया है आदि ठीक है। अगर तैनूं तवज्जो मेरे अल पासे अगर तैनूं अल्लाह खुद बनाया है ना ते अल्लाह दे बनाए हुए दियां त्रै निशानियां आउंदियां ने ओ मैं दसनी हाँ। अगर जनाब विच होसन तो सारियां तो पहला मैं मन ले सां मेरी कोई जाती दुश्मनी है तेरे नाल कोई जायदाद का झगड़ा है। उस आख्या हाँ उम्मे फरवा दस जिन्हों अल्लाह मुंतहिब करे जिन्हों अल्लाह है ओदा अता करे ओदे विच केड़ी केड़ी निशानी है। बिस्मिल्ला पढ़ के आदि ओदी पहली निशानी वह पूरी कायनात का इलम रख दे आसमान जमीन हर शायद का इलम रखद आदा। दूसरी निशानी आदि अल्लाह के नुमिंदे का साया नहीं होंदा आदा। तीसरी निशानी आदि जिन्हों अल्लाह है ओदा अता करे जिन्हों अल्लाह है मनसब अता करे अपनी पूरी जिंदगी विच एक लम्मे वाते की मुशरक नहीं होंदा। ते बादशाह दे पासे वेख के आदि जनाब दे मुतलक शाह जी वो सके तीनों गल्लां मेरे च मौजूद हैं। मैं आसमान जमीन हर शह का इलम रखना उम्मे फरवा जो दिल आखी मेरे को पुछ। बादशाह दे पासे वेख के आदि सोच के दावा करी मैं अली दी कनीज हां। वो सके नहीं उम्मे फरवा जो दिल आखी मेरे को पुछ। मुहतसर करा बड़े दरबार दे विच बादशाह दे पास वेख के आदि फिर दस सत आसमाना दे नां की है। ओए होए होए मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा। जिहड़े कदरदान बंदे तशरीफ फरमाओ दस सत आसमाना दे नां की हैं। उम्मे फरवा दे पास वेख के आदि आसमाना दे नां भी हैं। मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा। दी सोच के गल करी अल्लाह ने कोई शै बगैर नां दे पैदा ही नहीं की खुद अल्लाह दे भी नां हैं। लाले मुसैल उस वेल लाजवाब होया जल्दी दे नाल जलाद दे हाथ विचों तलवार खसी सू हून अशाम तलवार बुलंद करके आदा उम्मे फरवा तू दस अगर ना डिसे से मैं तैनू बरे दरबार दे विच कतल कर सां। बादशाह दे पासे वेख के आदिए आजजी नाल पुछे ते दसनी आ जे मौत दा डरावा ते धमकी दे के पुछे ना तू मैनू मार सकना ना तू मैनू जवा सकना मेरी मौत दा मालक मेरा इमाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए या अली या अली या अली बड़ी बड़ी या अली या अली या अली। उस आख्या नहीं उम्मे फरवा दस जद आख्या उम्मे फरवा दस पहले आसमान का ना है अलूल दूसरे का ना है वैलूल तीसरे का ना है सकून चौथे का ना है अयूल पंजवें का ना है माहीन छठे का ना है माहिर
और सतवें का नाम है अबूस। तो उम्मे फरमा दी है मैं आप नहीं दसिया, मैं अपने इमाम तो सुने है। उस वेले जलाद दे पासे वेख के मतलब तो निकल गया कतल कर। मुंशी नूं आदा लिख लै कल नूं कोई होर ना पुछण आ जाए। ओए होए खत्म करां। बड़े दरबार दे विच उम्मे फरमा दा सर तन तू जुदा कीता सू, आदा जल्दी करो मैं ये दफन करो, बगावत ना पैदा हो जाए। मैं ये दफन कीती गई, दरबार दे सब लोग परेशान, दरबार दे विच खौफदारी। मगर लाले मुसेआलो एक बुढ़ड़ा है जिहड़ा दरबार दे विच हसदा खड़ा है, नाम सलेमान फारसी है। लोग आते ने साढ़े नालों तेरा नुकसान ज्यादा होया है, मगर तू हसदा क्यों खड़ा है? उस आख्या तुसी सारे मार दे जाओ, मेरा मुर्शद अली जवेदा वैसे। सलेमान गुलशन वलायत आया मुहतसर की वाजब अल एहतराम तशरीफ फरमा, कदमा ते हाथ ला के दा मौला तुहाडी वलायत दी मुबलगा कतल हो चुकी है, आओ जिंदा करो। शाह जी सलेमान आते जब मैं मौला दे नाल कबर ते आया ना, उम्मे फरवा दी मैं डिठा कि ये चार परिंदे ने जिन्हां दियां चुंझां सुरख ते बाकी पर सफेद ते जिन्हां दे मुंह दे विच ताज़ा अनार दे दाणे ने, कबर विच जा रहे ने ते हाली वापस आ रहे ने। कदमां ते हथ ला के आदा मौला मैयत ते दफन हो चुकी है, ये परिंदे दाने किस वास्ते अंदर लैके जाते ने? मासूम फरमाते ने सलेमान मैं नहीं आख्या जो साडी मुहब्बत विच मरण वाला मुर्दा नहीं हुंदा जिंदा होंदा। मैं बिस्मिल्ला करा, मैं बिस्मिल्ला करा, याल याल याल। बस आखिरी जुमला, इमाम दे कदमां दे बरकत दे नाल कबर शक हुई है। उम्मे फरवा कबर विच बाहर आई, कदमां ते हथ ला के आदी मौला तुहाडी वलायत दी तबलीग दे विच मैं कामयाब हो गई है। मैनूं मिंबर दी कसम है लाले मुसेआले दोबारा जिंदा होने तो बाद उम्मे फरवा घर नहीं गई, उसे मदीने दियां गलियां में दुपट्टे नाल कमर चा बद्धी सो, हर दरवाजे ते हर गली विच कुंडा खड़का के आदी लोगो गलती नहीं करनी, हक दा इमाम सिर्फ अली है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, अली अली अली, मैं बिस्मिल्लाह करा। इमाम जमाना तुहाडा टोरा या कबूल फरमावन, अली दियां दियां तुहानू वड्डे रंग लावन, मालिक बानियान दे बहुत रिज़क इज्जत विच मालिक बरकत अता फरमावन। सैयदां दुआ पिया मंगना, जो जो जायज़ हजात लैके इस पाक दरबार दे विच आए हो मालिक पूरियां फरमावन। कदी दुनिया इस पाक घर नूं समझ जांदी, कसम सुआ दौला शरीक दी फिर दियां अली दियां इंज ना रुलदियां। मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं ना जाकर लख फज़ाइल पढ़दा रवे, लेकिन साढ़े नबी दी ओ दी जिहड़ी सके पियू दे दरबार चों हाली बली है। पर्दे पिछों इस इंतजार च रहिंदे ने कि केड़ा केड़ा मोमन मेरे मजलूम पुत्र नूं रोंदा बैठे। वो बीबियां वो सैयदजादियां जिन्हां रज के मां ते नाने दी कबर नहीं गई दिखी, इंज नंगे सर बाजारां दरबारां च लाउंदी। शजी उन्हां दे काम नूं समझना साढ़े वस चों बाहर है जो कुछ हो कर गए ने, लेकिन एक दुनियादार होने के नाते दिल इंजे करता है कभी सईदा दियां नस्लां मुक जांदियां। बीबी पाक तुहाड़ी जुत्ती भी उस शाम ना जांदी, उस निजस माहौल दे विच तुहाड़ा कदम भी ना जांदा। बहुत बड़े मुहाज दा नाम है शाम, कुजा दरबार कुजा अली दियां दियां लाले मुसेआले तुक ही नहीं गई बनदा। बाजारे हमीदिया दे रस्ते बस मैं कर लगा दो चार गल्लां करके पाक बीबी नूं दरबारे यजीद दे विच दाखल किया गया है। इस बाजारे हमीदिया दे बिल्कुल आहर ते एक दरवाजा जिसका नां तारीख आले बाबो सात लिखे है। शजी इस बाबो सात तो लैके दरबारे यजीद तक तकरीबन 35 या 36 कदम का फासला बनता है। मैनू पाक मिंबर की कसम इन्हें 35 या 36 कदम का फासला दी अली दी ने 72 घंटे 15 अजाना खलो के मेरी सहन ने सुनिया ने, और आज भी वह जगह मौजूद है जिथे 9-9 घंटे खलो के हुतबे पढ़े ने। तो फिर लाले मुसेआलो एडे हुतबे सोने पढ़े ने कि नबीनिया बंदियां नूं पुछना पै गया कि अली कित्थे बोल रहे।
मैं बिस्मिल्ला करा, मैं बिस्मिल्ला करा। इमाम जमाना तुहाडा पुरसा कबूल फरमावण, अली दियां दियां तुहानू वड्डे रंग लावण। करबला तो लैके शाम तक अली दियां दियां ने बड़े औखे सफर कीते ने। मुतफिक रवायते बच्चा बच्चा जानदा है कि सत महरम तो लैके दस महरम तक अली दियां दियां दा खाना भी बंद है, अली दियां दियां दा पानी भी बंद है। लाले मुसे वाले त्रै दिन दियां भुखियां ते प्यासियां अली दियां दियां यारा महरम नू करबला टुकड़ियां ने 360 बाजार अबूर करके शाम तक आईयां ने। मैं ना मेरा मुसलमान बिरा जड़ा दा रोमना नहीं चाहिए। शाजी कानूने फितरत है, भुखा बंदा खाना मंगदा है, प्यासा बंदा पानी मंगदा है। मैं मिंबर की कसम है तारीख में कोई सतर नहीं साबत जिथे अली दीदी एक बारी आख्या हो मैनू खाना दे या मैनू पानी दियो। जिथे वस लगे हुज्जत हुदा दीदी एको चीज मंगती रही है, चादर दियो, मैं तुहाडे नबी दी दी हां। मैं बिस्मिल्ला करा, मैं बिस्मिल्ला करा। करबला तो लैके शाम तक मेरी सैन चादर मंगती रही है, किसी नहीं दिती। लेकिन जितों तक तारीख का तलक है, 8 या 9 जगह ते चादर मिली है। इन्हां 8 या 9 जगह ते देने वाले गैर मुसलम आए, लुटन वाली नाने की उम्मत आई। जदन 8 दफा चादर लुटी गई है तो 9वीं दफा हुज्जत हुदा दीदी आख्या चादर दियो, मैं तुहाडे नबी दीदी हाँ। शाह जी उस वेले तारीख लिख दी है कोई सारे जेड़ा घोड़े की गर्दन के नाल उस सर नु हलावा आया, कप्पे हुए गल चो आवाज आई है, जे इंज ही मिन्नत करनिया नहीं फिर नौकर नु चा हुकम कर। मैं जो तलियां मलदा टुर गया, शाम शहर तो पहले एक शहर है बस वैन करा जिस तरह तारीख हाले बाला बख लिखे है। यह हसाइया का शहर है, मुसलमाना की इस आबादी कोई नहीं। काफिला रोक के फौजी इश्किया दे सिपाही इस शहर में दाखिल होए। उन्हें हसाई मर्दो जन कट्ठे की ते उन्हें साड़ी मजबूरी है, साढ़े बादशाह का हुक्म है कोई गली ना रह जाए, कोई बाजार ना रह जाए जिस विच इन्हां नूं फेराया ना जाए। मेहरबानी करो औरतों नूं आखो छत्तां ते चढ़न, मर्दां नूं आखो बड़कीले लिबास पा के बाजार आवण। तुसीं उजरत लो, असीं देण नूं तैयार हाँ। अद ने करना की है कमीने, अद ने करना सिर्फ इतने औरतों नूं आखो पत्थर मार, मर्दां नूं आखो शोर करन। लाले मूसे वाले कौम तैयार हो गई। गिरजे च शोर सुन के पादरी बाहर आया, कौम नूं आंदा कितने तैयार हो? उन्हें आख्या शामी ने, अद ने साडे बागियां गुजरने, रश बनाओ ते असी उजरत लैके उन्हों का काम करना चाहते हाँ। उस आख्या पादरी आख्या तुसां तैयारी तो की लेकिन तहकीक की जे? मारन वाले कौन ने? मरीन वाले। उस आख्या शामी ने ते मुसलमान ने, मारन वाले भी और मरीन वाले भी। उस आख्या 2 मिनट ठहरो, तुसां शामिया की तारीख नहीं पढ़ी, इन्हां दी तारीफ पढ़ो। जदों भी इन्हां दा हाथ पिया इन्हां किसे शरीफ दा घर लुटे। 2 मिनट ठहरो, जे छता ते ना चढ़े आए, मैं तहकीक करावां मरीन वाले हिन कौन ते वस्ते किथों। अजादारो कौम रुक गई, पादरी टुर पिया, टुरदा टुरदा बाहर आया। पहले पहले सांगा ते सर सवार, पहली सांग ते दी निगाह पई, आदे मैं डिठा कीए, ओ सारे जिदियां सजे दियां जुल्फां खबे वलियां होईयां, खबे दियां जुल्फां सजे वलियां होईयां ने, दाढ़ी च रातरे ते मथे ते मेहराबे, दाड़ नाल कोई नहीं पढ़दा कुरान। शिमर दे मुंडे ते हथ रख के आदे क्यों मारी, बगैर तांदा बैयत नहीं यही करदा, बागी आई फौजां लैके जंग कीती सु मारा गया। जेड़े वेले पादरी सुनिया बागी शिमर दी अख विच अख पा के आंदा झूठ बोली, बकवास आखे तुआने बागी, मैं अंजील च हुद पढ़िया, जेड़ा बगैर धड़ दे कुरान पढ़े बागी नहीं नबी। या नबी दी झोली च पलन वाले, मैनू इंज लगता किसे नबी दा घर उजाड़ा है। अगे टुरिया एक होर सांग ते निगाह पई सुजदी चिट्टी दाढ़ी, अगे टुरिया ते चिटी दाढ़ी शिमर दे मुंडे ते हाथ रख के आंदा, ओ बगैर तुआने फौजा लेके आए, कोई भी ऐसा बादशाह नहीं जेड़ा बुढ़े फौजी लेके मैदान आए।
लाले मुसियालियो तारीख हाले लिखते ने तकरीबन 17 शोदाए करबला ऐसे अंजना दियां चिटियां दाड़ियां आदे सारे चिटियां दाड़ियां वाले ने कोई भी जवान नहीं पक हो गया कोई शरीफ उजड़ गए जिहड़े वेले उसे गल कीती है उस वेले शिमर पादरी दा हाथ नाप के आंदा है आ जे जवान वेखणा ही मैं विखावां शिमर पादरी नूं नाल लै के उत्थे आया जिथे लखां यूसफां नालों सोहणा हुसैन दा यूसफ मैं बिस्मिल्ला कर अकबर दी सांग थले आ के आंदा वेख जे जवान वेखणा मैं मिंबर दी कसम है पादरी पहली बारी अकबर दा चेहरा वेख्या अखां ज पकड़ियां भुल गए पैर चामने भुल गया जिथे खलोता ही सांग अल वेख के आंदा ओ सुनिया कोई यूसुफ नबी है ओ मैं करोड़ यूसुफ इकट्ठा करा एक तू नहीं बनदा अकबर दी सांग नाल एक होर गल कीती सुंदा जवान ना तेरे नां दा पता बिस्मिल्ला तवज्जो मेरे आले पास रखनी ना तेरी जात दा पता है अपने हलों तेरा नां रखन लगा ओ चन चौदवी दा मैं बिस्मिल्ला कर एदे बाद आदा बद्दुआ करन लगा जवान नाराज नौवी केड़ी बद्दुआ आंदा इयो बद्दुआ इंशाल्लाह तेरे मरन तू पहलों तेरी मां मर गई ओ आजादारो जिथे मेरी सैन आवाज सुनिया रो के आंदे ने इंज नाख मोई कोई नहीं एदे कातल दियां झिणकां वधी जलनी आहरी जुमला ते दुआ सांगा नूं वेंदा आया टुरदा आया रोंदा आया लाले मुसियाले ओ सांग थले आ के रुकिया नहीं बाबा जी मिट्टी ते जण पई ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਵੱਡੀ ਆਈ ਸਰ ਛੋਟਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਦਾ ਬਾਂਦਾ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਅਲਮੋਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਈਸਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਫੇ ਅਫਸੋਸ ਮੱਲੇ ਤਲੀਆਂ ਮਲ ਕੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਵਰ ਗਿਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਨ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਝ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ 5 ਕਦਮ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਆਤਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਰੀ ਨਾ ਲਕੌਣ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਰਾ ਜੁਰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੇਗਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਤੜਪਿਆ ਆਦਾ ਬੱਚੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਲੇ ਚ ਗਈ ਆਈ ਉਸੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਤਰੀ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਲੇ ਮੁਸਿਆਲੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਟਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪੱਗ ਲਹਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੱਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਘਰਾਂ ਚ ਟੁਰ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਕੌਮ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਆਂਦਾ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੋਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜਲਦੀ